दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन जल्द ही दूसरी शादी कर सकते हैं। उन्होंने खुद इसके बारे में मीडिया से खुलकर बात की है। आपको बता दें कि 2014 में शिखर धवन की शादी हो चुकी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन नागरिक आयशा मुखर्जी से शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद तक दोनों में सब कुछ सही रहने के बाद अब इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन और आयशा के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान शिखर धवन ने दूसरी शादी को लेकर भी अपनी राय दी है। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के बीच 6 साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई और दोनों ने तलाक का फैसला कर लिया। शादी टूटने पर शिखर धवन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरी शादी टूटने का मुद्दा अभी कोर्ट में चल रहा है। मैं मानता हूँ मेरी गलती रही है कि शादी नहीं चल पाई, इसमें मैं फेल हुआ, लेकिन मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे उस फील्ड का अंदाजा नहीं था। शिखर धवन ने आगे कहा, जब मेरी शादी का मामला सुलझेगा और मुझे शादी करनी होगी तो उस वक्त मैं अब अधिक समझदार होऊंगा। जब मुझे दूसरी शादी करनी होगी तो मैं अब सोच समझ कर फैसला लूंगा और उस समय मैं अधिक समझदार रहूंगा, जिससे कि मैं हर तरह की संभावनाओं से परिचित रहूंगा। धवन ने पहली शादी को लेकर कहा कि मेरे लिए पहली शादी एक बाउंसर की तरह थी जो मेरे सर पर आकर लगी और चारों खाने चित कर गई। हालांकि इसे मैं अपनी गलती मानता हूँ, गलती इंसान से ही होती है और वही उसे सुधारने का काम भी करता है। दोस्तों अगर आप शिखर धवन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।